खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। भोपाल से एक दुखद खबर आई है। खबर यह है कि गणपति विसर्जन के दौरान नाव पलटने से 11 लोगों की मौत हो गई है। 18 लोग इस नाव में सवार थे, 11 लोगों के शव निकाल लिए गए हैं, बाकी लोग तैरकर किसी तरह किनारे पहुंचे। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। ये दुखद हादसा हुआ है भोपाल में, जहां गणपति विसर्जन के वक्त एक नाव पलट गई और नाव पलटने से यहां पर 11 लोगों की मौत हो गई है। 18 यात्री इस नाव में बैठे हुए थे, 11 लोगों के शव निकाले गए हैं, बाकी बचे हुए लोग किसी तरीके से तैर कर बाहर निकले। बहुत ही दुखद हादसा, भोपाल के छोटा तालाब में नाव पलटी है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश राजपूत फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। ब्रजेश, किस तरीके से हुआ ये पूरा हादसा, किस वक्त हुआ ये पूरा हादसा, अभी मौजूदा स्थिति क्या है? देखिए, ये हादसा सुबह 4:30 बजे का है। कल रात भर और सुबह तड़के तक गणेश विसर्जन चलता रहा। भोपाल में गणेश विसर्जन छोटे तालाब में हो रहा था और ये प्रतिमा बहुत बड़ी थी, जिसमें ये तमाम इन लोगों ने दो नावों को एक करके मंच बनाया था। और फिर ये सारे लोग जब आगे वहां पहुंचे और उसके बाद वहां पर हादसा हो गया, नाव डूबी, जिसमें करीब 18 लोग सवार थे, जिसमें से 7 लोग तैर के आ गए और 11 लोग डूब गए। सारी डेड बॉडी निकाली गई है, सबको पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेज दिया गया है। बिल्कुल, और आगे की कार्रवाई की जा रही है। शुक्रिया ब्रजेश अहम जानकारी के लिए। तो दुखद घटना जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि तैर कर बाहर आ गए कुछ लोग, अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए।